हेलो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बात चाहे क्रिकेट की हो या फिर किसी और गेम की, परंतु आपका लक हमेशा आपके साथ होना चाहिए, वरना बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी उन चीजों को करने से चूक जाता है जो उसका सपना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही भारतीय क्रिकेटर की बात करने वाले हैं जिन्हें स्विंग गेंदबाजी का उस्ताद माना जाता था, और उनमें वो सारी खूबियां मौजूद थी जो एक अच्छे क्रिकेटर में होना चाहिए। नई गेंद से उनकी स्विंग बॉलिंग के आगे बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज भी चकमा खा जाते थे। इसके साथ ही निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना भी उनकी खासियत थी। शानदार फॉर्म में चल रहे होने के कारण उनको वो मौका भी मिला जिसके लिए वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे, और उनकी काबिलियत के वजह से ही साल 2011 में खेले गए ICC वनडे विश्व कप के लिए उन्हें भारतीय टीम में शामिल भी किया गया। लेकिन ठीक टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले कोहनी में चोट लगने के कारण उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। हम जिस क्रिकेटर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, भारतीय हरफन मौला और यूपी क्रिकेट के स्टार क्रिकेटर प्रवीण कुमार हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ICC 2011 विश्व कप टीम से बाहर होने की तकलीफ आज भी उन्हें काफी दर्द देती है। उनका कहना था कि विश्व कप टीम में शामिल होकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह विश्व कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करे। विश्व कप 2011 चूंकि भारत में ही हो रहा था, इसलिए मैं ज्यादा रोमांचित था। मुझे इस बात की खुशी बहुत अधिक थी कि मेरा परिवार, दोस्त सभी मुझे खेलते हुए देखेंगे, लेकिन एक चोट ने मेरे सभी सपनों पर पानी फेर दिया। प्रवीण ने उस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि विश्व कप 2011 से ठीक पहले टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई थी। वहां वनडे सीरीज से पहले अभ्यास सत्र के दौरान मुझे कोहनी में चोट लग गई। हालांकि BCCI ने जल्द ठीक होने के लिए मुझे इंग्लैंड भी भेजा, लेकिन चोट सही समय पर ठीक नहीं हुआ, जिस वजह से BCCI को विश्व कप शुरू होने से पहले मुझे टीम से बाहर करना पड़ा और मेरे स्थान पे तेज गेंदबाज एस श्रीशांत को मौका मिला। क्रिकेट के इस महाकुंभ से बाहर होने के बाद उन्हें फिर कभी दोबारा मौका नहीं मिला। हालांकि वह साल 2018 तक क्रिकेट खेलते रहे, परंतु विश्व कप खेलने का उनका सपना अधूरा ही रह गया, और अंततः अक्टूबर 2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो कैसा लगा दोस्तों आपको यह जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।